और दक्षिण भारत के यहाँ पर प्रभास की फिल्म आदिपुरुष 16 जून के यहाँ पर सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। फिल्म के यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर फिल्म को अलग अलग भाषाओं में रिलीज किया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर फिल्म मेकर्स ने भी ऐलान किया है कि यहाँ पर वो फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान देश भर के सिनेमाघरों में एक सीट हनुमान जी के लिए रिजर्व रखेंगे, जिस पर कोई भी ना बैठ सके। इस फैसले का स्वागत संत समाज कर रहा है और साथ ही यहाँ पर साधु संत समाज ने यहाँ पर अब बॉलीवुड को भी जो है उनसे सीख लेने की नसीहत दी है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का कहना है कि यहाँ पर आज तक कभी ऐसा देखने को नहीं मिला है किसी फिल्म मेकर्स की तरफ से यहाँ पर इस तरह का फैसला लिया गया हो। और आने का जो हमारा महिमा है उसको उन्होंने है जो इस फिल्म के माध्यम से है जो पूरे समाज में लाया कि जब भी रामायण होती है या भगवान की कथा होती है तो वहाँ है जो भगवान जरूर विराजते हैं, हनुमान जी जरूर विराजते हैं। इस आस्था को लेकर जो उन्होंने सभी सिनेमा घरों में एक जो सीट रखा है वो आस्था का केंद्र है, और इसी तरह से आगे भी है जो जो भी धार्मिक है जो फिल्में बने उसमें इस प्रकार की प्रथा बनाए रखे हैं। ऐसा जो फिल्म मेकर प्रथम बार हमें सुनने में आया है, देखने में आया है, हमारी भी इतनी एज हुई, हमने आज तक इतनी फिल्में देखी है, किसी मेकर ने ऐसी फिल्म नहीं बनाई कि हाल में एक सीट हनुमान जी के लिए रखी जाएगी। हमारे कथा प्रवचन जब होता है तब हनुमान जी को आसन दिया जाता है, तो मैं ऐसे साधु व्यक्ति को जो ये मेकर है, जो इसका ये डायरेक्टर है, मेरी ओर से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। मैं आशा करता हूं कि आपको देख करके बाकी जो हिंदी सिनेमा है वो भी ऐसा ही करे।